राजभवन देहरादून में एनसीसी के माउंट अबी गमीन पर्वतारोहण अभियान के फ्लैग इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने एनसीसी के माउंट अबी गनीम पर्वतारोहण अभियान का समापन किया। यह पर्वतारोहण अभियान 3 सितंबर से 28 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। पर्वतारोहण अभियान का उद्देश्य वर्ष 2025 में प्रस्तावित इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए कैंडिडेट्स को चयन करना था और उनका प्रशिक्षण देना था। इस पर्वतारोहण अभियान में देश भर में कुल 34 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इन 34 एनसीसी कैडेट्स में से 12 कैडेट्स उत्तराखंड के थे, जो इस अभियान में चमोली की अभिगामी चोटी तक पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पर्वतारोहण अभियान के दौरान कैडेट्स ने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए स्वयं को साबित किया है। उन्होंने इस अभियान के लिए एनसीसी दल को अपनी शुभकामनाएं दी। सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज जो एक एक्सपीडिशन टीम माउंट अभिगमन गई थी वो लौट के आई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना माउंटेनिंग एक्सपीडिशन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत के एनसीसी के कैडेट्स थे और 39 कैडेट्स थे, उसके अंदर में 12 उत्तराखंड की एनसीसी कैडेट भी थे। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया है वो हमारे सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये इनका एक प्रीकर्सर है कि इसके बाद में ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर में एक एक्सपीडिशन है उसका प्लान किया जा रहा है, जिसका एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में किया जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारे इन कैडेट्स के अंदर में से चुने जाएंगे जो माउंट एवरेस्ट के लिए जाएंगे। Through my firstly, I would like to thank God for He has always been there with us. Right from Delhi, we moved to Mount Abhi Gamin and come back safely. And secondly, I would also like to thank for the NCC who had given us this opportunity to experience this Mount Abhi Gamin on different mountaineering and expedition things and all. And through my experience, I've been learned that both the physical and mental strong we have to be. The mental of the strong is very important in our ability to climb the Mount Abhi Gamin or in any expedition.